नमस्कार भाइयों, आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे थे कि क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप जो है वीडियो बनाइए, कुछ जानकारी दीजिए। तो क्रोम प्लेटिंग के बारे में, ब्राइट क्रोम प्लेटिंग के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। हार्ड क्रोम और ब्राइट क्रोम, क्रोम दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो ब्राइट क्रोम होता है वो निकल के ऊपर लोग करते हैं, पहले निकल प्लेटिंग होती है एंड देन उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग होती है, ब्राइट क्रोम प्लेटिंग। और जो हार्ड क्रोम प्लेटिंग होती है वो हार्डनेस के लिए की जाती है, एमएस के ऊपर, आयरन के ऊपर, जिससे कि जो ऊपर का सरफेस है, जो क्रोम प्लेटेड सरफेस है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो मैक्सिमम जो लोग हार्ड क्रोम करते हैं वो करते हैं डाइज वगैरह में, जो डाई होती हैं जिनसे हम आइटम को साइज देते हैं, जो मोल्डिंग डाई होती हैं या और भी कई प्रकार की डाई होती हैं, मोल्ड होते हैं, उनके ऊपर हम हार्ड क्रोम प्लेटिंग करते हैं। और हार्ड क्रोम प्लेटिंग कुछ जो शाफ्ट होती है जो एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, चलती हैं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन में जो शाफ्ट यूज होती हैं उनके ऊपर भी हार्ड क्रोम प्लेटिंग होती है। तो मैं क्रोम प्लेटिंग के बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके दे रहा हूँ, आप जो है इसको गौर से सुनिए और इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो आपके ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग करने में, या आप कोई इस तरह का नया सेट लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहले मैं आपको ब्राइट क्रोम प्लेटिंग के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी बताया कि ब्राइट क्रोम प्लेटिंग जो है वो निकल प्लेटिंग के बाद होती है। क्रोम की अपनी कोई चमक नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। क्रोम प्लेटिंग जिस मेटल के ऊपर करेंगे तो बेस में जो चमक रहेगी वही चमक रहेगी, अगर हम 0.2-0.3 माइक्रोन तक करते हैं तब। अगर उससे ज़्यादा माइक्रोन करेंगे तो वो क्रोम की फिनिश आ जाएगी, मतलब कि वो क्रोम जो है बर्निंग टाइप आ जाएगा और फिनिश वो डल होने लगेगी। उसको चमकाने के लिए उसको बफ करना पड़ेगा, बफ करने के बाद उसमें ब्राइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। तो अमूमन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हैं, इनमें लेग गार्ड्स यूज होते हैं, और साइलेंसर के ऊपर का एक कवर होता है वो होता है, और रिम होता है। तो अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, रिम के ऊपर पाउडर कोटिंग आने लगी है, और अभी कुछ निकल प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग का स्कोप कुछ कम कर दिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले निकल प्लेटिंग करते हैं। निकल प्लेटिंग के लिए आप निकल का मेरा वीडियो देख सकते हैं, कोई भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं। निकल प्लेटिंग के बाद अब बात करते हैं उसको धुलाई करने के बाद जब हम क्रोम प्लेटिंग में ले जाते हैं, तो मेनली दो तीन चीज़ें होती हैं उसमें। क्या करना है कि देखिए, डबल शॉट नहीं होना चाहिए। डबल शॉट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई पीस करंट के लिए कैथोड रॉड पर लगाया, अब उसमें क्या है कि करंट एक बार चला गया और फिर दोबारा करंट उसमें आया, या वो स्पार्क कर गया, तो उसमें बर्निंग आ जाएगी, वो पीस जल जाता है। तो या तो उस पीस को आप काटेंगे, मतलब क्रोम उतारेंगे और उसको दोबारा से क्रोम करेंगे, या फिर उसको बफ करेंगे। बफ मतलब उसको एक मॉप होता है, उस पर रबिंग किया जाता है, रबिंग करने से उसके ऊपर चमक आ जाती है। तो ये एक तो करंट का मैंने बताया। दूसरा, अब डिपेंड करता है कि क्रोम का जो केमिकल है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये 250 ग्राम पर लीटर ऑप्टिमम होता है, इसको 200 से 300 ग्राम पर लीटर कंपनियां मान के चलती हैं, बट 250 ग्राम पर लीटर आप क्रोम साल्ट घोल सकते हैं। और 250 ग्राम पर लीटर क्रोम साल्ट घोलने के बाद में आप टैंक में जो मैं बताता हूँ, एनोड कैथोड का डिस्टेंस, एनोड कैथोड की रॉड किस प्रकार लगती हैं, वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो जैसा निकल में होता है वैसा ही क्रोम में होता है। क्रोम में एक चीज़ होती है, क्रोम में करंट काफ़ी तेज चलता है, इसमें 200 एम्पियर स्क्वायर फीट तक करंट चलता है, तो हमें रेक्टिफायर हैवी चाहिए होता है।
अगर आपको क्रोम प्लेटें करनी है तो आपको रेक्टिफायर थोड़ा हैवी चाहिए होगा, क्योंकि एक स्क्वायर फिट का पीस अगर है तो उसको 200 एम्पियर तक देना पड़ सकता है क्रोम प्लेटिंग के लिए। तो अब इसमें बात आती है कि हम केमिकल में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो देखिए, इसमें केमिकल्स में तो प्रॉब्लम जो आती हैं वो सही भी जल्दी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि इसका क्रोम का जो मेन ऑपरेटिंग पार्ट है, इसको जो चलाना है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। जो ऑपरेटर है उसको बहुत सावधानी से ट्रेनिंग देनी होती है और उस आदमी को बताना होता है कि आपको इस तरह पीस लगाना है, निकालना है और कैसे क्या करना है, क्योंकि टैंक सही होने के बाद भी जो ऑपरेटर होता है वो आपकी 4-5% रिजेक्शन निकाल सकता है। अगर उसको ट्रेनिंग सही दी हुई है कि पीस को हमें किस तरह लगाना है जिग में, किस तरह उसको टैंक के अंदर डालना है, एनोड कैथोड रोड पर किस तरह हमें करंट देना है और कितना टाइम देना है, तो वो आपकी जो रिएक्शन है वो कम से कम आएगी और क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि हमने क्रोम में पीस लगाया, हमने बाहर निकाल कर देखा तो उसमें क्रोम की कोटिंग नहीं आई, या कुछ हिस्से पे आई जहाँ पर ज़्यादा करंट मिला, और लो करंट मतलब जो जड़ वगैरह होती हैं जहाँ पे लो करंट पहुँचता है, जहाँ पे करंट कम पहुँचता है वहाँ पे प्लेटिंग नहीं आई। तो ये इंडिकेशन होती है कि इसके अंदर सल्फेट ज़्यादा है, या आप मान के चलिएगा कि इसमें आपको बेरियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा सल्फेट को रिड्यूस करने के लिए। बेरियम कार्बोनेट डालने के बाद आप पीस चेक करें, पीस में थ्रोइंग पावर बढ़ जाएगी, क्रोम थोड़ा और ज़्यादा आने लगेगा पहले से। जब आपको लगे कि अब काफ़ी हद तक हमारा क्रोम आने लगा है जड़ों में, तो फिर उस क्रोम के पानी को पूरे को फिल्टर आपको करना पड़ेगा, उसके अंदर एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो बाहर जब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो पीस के ऊपर चिपक कर आता रहेगा या वो थोड़ी बहुत पीसों में प्रॉब्लम करता रहेगा। उसके बाद आप प्लेटिंग करें तो प्लेटिंग परफेक्ट आएगी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है कि जब पीस हम कर रहे हैं तो कई जगह पीला पानी चिपक चिपक कर आता है, पपड़ी सी, या पीस सतरंगा हो जाता है, मतलब येलोइश शेड में पीस आ जाता है, कहीं पे येलोइश कहीं पे रेडिश, इस तरह का पीस आ जाता है सतरंगा टाइप। तो अगर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझिए सल्फेट कम है, तो फिर आपको कंडक्टिंग साल्ट, कंपनियों के बने बनाए आते हैं, तो आपको कंडक्टिंग साल्ट डालना पड़ेगा, वो आप ट्रायल बतौर डाल सकते हैं। 100 लीटर का टैंक है और अगर इस तरह से आ रहा है तो उसमें 100 लीटर के टैंक में आप 200 ग्राम कंडक्टिंग साल्ट डालें, रिजल्ट देखें, इम्प्रूवमेंट पूरी हो गई है तो बंद कर दें, अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा 100 ग्राम और डाल के देखें। तो इस तरह केमिकल थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, या फिर क्रोम का जो केमिकल है वो एक लेबोरेटरी में चेक कराएं, उसमें सल्फेट और क्रोमिक एसिड की जो रेशो है वो चेक हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप कंडक्टिंग साल्ट उसमें डाल सकते हैं, या उसमें जो भी जिस तरह बेरियम मैंने बताया तो बेरियम को भी टेस्ट कराने के बाद डाल सकते हैं कि हमारा इतना सल्फेट ज़्यादा है तो हमें बेरियम डालना है, और बेरियम डालने के बाद सल्फेट को कम करना है, तो रिपोर्ट में पूरा आ जाएगा। जहाँ से आप केमिकल परचेज करते हैं लेते हैं वो केमिकल आप वहाँ भेजिए, वो आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि इसमें क्या डालना है क्या करना है, तो आपको उस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी। तो ये इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स होती है कि हम किसी किसी आइटम को तार में बांध कर करते हैं, कॉपर के वायर में बांधते हैं फिर निकल करते हैं उसके बाद क्रोम करते हैं, तो कई बार जो वायर का निशान है, वायर का स्पॉट है, वो कई बार रह जाता है पीस के ऊपर, वो वहाँ पर पीला पीला महसूस होता है। तो देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं, उसमें एक तो निकल में आपको देखना पड़ेगा कि निकल में प्रॉब्लम तो नहीं है, निकल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, निकल में प्रॉब्लम होगी तो भी आगे आपको क्रोम में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि निकल में प्रॉब्लम होती है तार का काला होना, जहाँ हम तार बांध रहे हैं वहाँ पे निकल में ही स्पॉट बन जाना, तो वो सब दिखते निकल से नहीं होनी चाहिए, निकल से अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्रोम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
दूसरा मुद्दा होता है करंट का, जो करंट है वो परफेक्ट डीसी होना चाहिए, रेक्टिफायर आपका अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा रेक्टिफायर होगा क्रोम उतना ही अच्छा आपका आएगा। लोकल रेक्टिफायर बनवा लेते हैं फिर वो हमेशा के लिए परेशान होते रहते हैं, वापसी और रिजेक्शन निकलता रहता है, क्योंकि क्रोम में करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर प्योर डीसी करंट मिलेगा तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी क्रोम में। ये आपका केमिकल का हो गया, रेक्टिफायर का हो गया। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं, बोले साहब हम क्रोम करते हैं, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन माल में वो धुंधलापन जो एक वाइट फॉग स्मोक जैसा आता है वो आता है। तो देखिए वो सब सेटिंग का फ़र्क है। अगर स्मोक आ रहा है तो उसको आप बफिंग से दूर कर सकते हैं, और अगर आइटम बफिंग करने लायक नहीं है तो आप अपने केमिकल को परफेक्ट करिए, उसकी डिग्री चेक कराइए, लेबोरेटरी में चेक कराइए। ये मैंने बता दिया कि अगर आइटम पीला आता है तो आप समझिएगा इसके अंदर सल्फेट ज़्यादा है, आपको बेरियम डालना पड़ेगा। और अगर आपका जो है सतरंगा आता है या पीले पीले क्रोम के पानी की पपड़ी पीस के ऊपर जम रही है लो करंट पर, तो इसका मतलब है कि आपने बेरियम डाला है तो वो बेरियम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उस पानी को पहले फिल्टर करिए, फिल्टर करने के बाद पीस निकाल के देखिए, उसके बाद भी सही ना आए तो उसमें थोड़ा कंडक्टिंग साल्ट डालिए, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी बाहर निकालें 5 या 10 लीटर, उसमें आप नाप के तोल के आपको कंडक्टिंग साल्ट डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, या आपको बेरियम क्लोराइड बेरियम कार्बोनेट डालना है, वो डालिए। कितना हमने 10 लीटर पानी में डाला और पीस आपका सही हो गया, छोटा पीस सही करके देख लीजिए, फिर उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप टैंक में डाल सकते हैं अगर आपके पास लैब फैसिलिटी नहीं है। तो उससे आप बच जाएंगे कि आपका 200 लीटर का या 400 लीटर का टैंक है तो उसमें आप केमिकल डालने से अच्छा है 10 लीटर पानी उसका अलग निकालिए, उसमें एनोड खड़े कीजिए, एनोड लगाइए और उसके अंदर आप जो ट्राई करके देखिए, 10 लीटर पानी आपका सही हो जाएगा, फिर उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने उसमें क्या डाला है आप जो है बड़े टैंक को सही कर सकते हैं, उसमें आप केमिकल डाल के उसको परफेक्ट कर सकते हैं अगर लैब फैसिलिटी आपके पास नहीं है। तब लैब फैसिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लैब में केमिकल भेजिए, आपको चेक होने के बाद रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप केमिकल डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो एनोड किस चीज़ का लगता है वो डिपेंड करता है, सभी लोग जानते हैं, वो लोग कहते हैं क्रोम का एनोड, क्रोम का एनोड। जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियाँ हैं जहाँ पर काम चलते हैं वहाँ लोग सारे जानते हैं, तो उसमें लेड टिन का एनोड लगता है, 37% होता है, बाकी लेड होता है उसके अंदर। और वो एनोड लगाने के बाद में एनोड को एक्टिवेट करना होता है, उसको क्रोम में लगाने के बाद एक आप डमी चलाइए, डमी आप एक एंगल में एक लोहे का या कॉपर का कुंडा वेल्डिंग कराएं, कॉपर का कुंडा पानी में क्रोम के पानी में डूबना नहीं चाहिए, केवल करंट देने के लिए क्रोम के पानी के लेवल से कॉपर का कुंडा ऊपर रहना चाहिए, लोहे की रॉड में उसको वेल्ड कराइए एंगल में वेल्ड करा के आप उसको बीच में लगाइए, जो एंगल का साइज है वो 18 इंच तक हो सकता है, टैंक के हाइट के हिसाब से 24 इंच तक हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसको लगाइए और 10 वोल्ट पर वो डमी आप चलाइए, तो उससे टैंक के अंदर की जो इम्प्योरिटी है वो दूर होती है और उसका जो एनोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आप 10 से 15 मिनट आप वो डमी चला देंगे, उसके बाद उसको निकाल के तब आप पीस करेंगे, तब पीस सही आएगा। एनोड इसके रोज़ साफ होने चाहिए, एनोड रोज़ निकालिए, उनको ब्रश से साफ करिए, लगाइए टैंक में वापस, और 5 से 10 मिनट आप डमी चलाइए, जो मैंने आपको एंगल का बताया जिसमें कॉपर का कुंडा वेल्ड कराना है, मोटा कुंडा, उसको 10 से 15 मिनट चलाइए, 10 से 15 मिनट चलाने के बाद उसको डमी को निकाल दीजिए, उसके बाद में आप अपना पीस लगाइए, पीस सही आएगा। अब इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं, और अगर आप सावधानी से काम करेंगे, रेक्टिफायर आपका सही होगा, केमिकल सही कंपनी का आप यूज कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। क्रोम साल्ट और क्रोमिक एसिड का अंतर भी मैं आपको बताता हूँ। क्रोमिक एसिड कंपनी जो बनाती हैं वो क्रोमिक एसिड बनाती हैं, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली कंपनियाँ हैं वो क्रोम साल्ट बनाती हैं। तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स वाली किसी कंपनी से
रेडीमेड साठ लीजिए, वो 10-20-40-50 रुपए महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन आपको समस्या कम होगी और रिजल्ट उससे अच्छा आएगा। दूसरी बात, आपको टेक्निकल सर्विस भी मिलेगी। भाई जिस कंपनी का आप केमिकल यूज कर रहे हैं, कल को कोई समस्या आती है, केमिकल आपको चेक कराना है, तो आपको हेल्प ये मिलेगी कि वो अपनी लैब में आपका केमिकल चेक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको रिपोर्ट देंगे कि भी आप इसमें ये डाल दीजिए, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई और जनरल क्रोम प्लेटिंग के बारे में कुछ पूछना है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा उसका आपका जवाब दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको जवाब उसका आंसर जरूर दूंगा। दूसरा बात, मैंने हार्ड क्रोम की, हार्ड क्रोम का भी सेम केमिकल होता है, उसमें केमिकल और सल्फेट के रेशो में थोड़ा डिफरेंस होता है। रेक्टिफायर उसके लिए भी हाई चाहिए होता है, उसमें भी 200-250 एम्पीयर स्क्वायर फीट का चाहिए होता है। इसमें हम लगाते हैं 2 मिनट तक मैक्सिमम, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक। हार्ड क्रोम की प्लेटिंग जो होती है वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे तक रेगुलर की जाती है, जिससे कि उसके ऊपर एक मोटी क्रोम की लेयर आती है, उसको बफ कर दिया जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको जो है फिर कहीं भी आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसमें हार्डनेस काफ़ी हो जाती है, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊँ, जो गाड़ी का शोकर होता है आगे का, शोकर में जो पाइप होता है लगा हुआ, उसमें क्रोम होता है, हार्ड क्रोम होता है, तो वो हार्ड क्रोम अगर अच्छी क्वालिटी का है तो शोकर चलता है, और जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कई बार क्या है कि शोकर में लाइनें आ जाती है, ख़राब हो जाता है। तो ये हार्ड क्रोम का फंक्शन मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया कि शोकर में हार्ड क्रोम होता है, या जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें जो ऑटो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें जो एक सिलेंडर होते हैं जिसके ऊपर जो रोल होता है चलता है, उसके ऊपर भी हार्ड क्रोम होता है। तो हार्ड क्रोम बहुत से आइटमों पर होता है, ज़्यादातर हार्ड क्रोम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शोकर्स वगैरह पर होता है, या और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम बनाती हैं, उनके हाइड्रो उनके यहाँ जो है हार्ड क्रोम के प्लांट होते हैं। हार्ड क्रोम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, उसके केमिकल को चेक करके उसमें कंटेंट्स क्रोमिक एसिड और सल्फेट का रेशियो अगर सही है, रेक्टिफायर आपका सही है, तो वो ठीक ठाक चलता रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। इसके बाद भी अगर किसी को इस क्रोम प्लेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार भाई, धन्यवाद।